यदि आप लोग का फ़ोन का पावर बटन ख़राब हो गया, पावर बटन आपका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है और यदि ख़राब हो गया तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक एप्लीकेशन की मदद से यदि आपका पावर बटन काम नहीं कर रहा है, आप लोग अपनी फ़ोन की स्क्रीन को बंद या फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरीके से आप लोग एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर सकते हो और यहाँ पर अपनी फ़ोन की स्क्रीन को बंद कर सकते हो और चालू भी कर सकते हो बिना पावर बटन की मदद से। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को इसके मत कीजिएगा वरना आप लोग यहां पर कर नहीं पाओगे और बाद में मेरे पास कमेंट करोगे कि मैं अपने फोन को स्विच ऑफ नहीं कर पा रहा हूं और अपनी स्क्रीन को भी ऑफ नहीं कर पा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आओ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाती है। चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने पावर बटन का बिना यूज किए अपने फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो और अपने या तो और अपने स्क्रीन को भी यहाँ पर बंद कर सकते हो। यदि आप लोग चार्जिंग पे अपना फोन छोड़ देते हो, लगा यदि आपकी स्क्रीन बंद नहीं होती है पावर बटन के बिना तो भी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से यहाँ पर आपको करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में यहाँ पर सर्च करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको सर्च करके बता दूँ, यहाँ पर आपको सर्च करना है पावर बटन टू वॉल्यूम बटन। ठीक है, आपको स्पेलिंग पूरा सही से यहाँ पर लिखना है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन यहाँ पर आपको स्पेलिंग थोड़ा सही से डालना है। यहाँ पर देखिए पावर बटन टू वॉल्यूम बटन, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर इसको सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप लोग जैसे ही सर्च करोगे तो देखिए आपको फर्स्ट नंबर पर एक एप्लीकेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर ही देखिए एक एप्लीकेशन मिलेगा पावर बटन टू वॉल्यूम बटन। ठीक है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड इसी एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, छोटा सा एप्लीकेशन है तो तुरंत ये डाउनलोड हो जाएगा, 3-4 MB का एप्लीकेशन है, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। देखिए आपके ही सामने यहाँ पर मैं डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, देखिए डाउनलोड होने वाला है। देखिए एप्लीकेशन आप लोग जैसे ही डाउनलोड कर लोगे तो आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। ठीक है, एप्लीकेशन को आप लोग ओपन करोगे कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करते जाना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपको सबसे सिलेक्ट कर देना है और आपको यहाँ पर नीचे एक आपको एरो दिखाई दे रहा होगा नीचे की साइड में। यहाँ पर नीचे की साइड में देखिए ये एरो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी परमिशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इनेबल। ठीक है, नीचे जो इनेबल लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर पावर बटन का यहाँ पर चालू करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पावर बटन को यहाँ से चालू कर देना है, यहाँ से इसको परमिशन अलाउ कर देनी है, परमिशन दे देनी है। उसके बाद में देखिए आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर वॉल्यूम प्लस बटन, ठीक है, वॉल्यूम प्लस बटन है। यदि आप लोग अपने वॉल्यूम बटन से यहाँ पर देखिए अपनी स्क्रीन को ऑफ करना चाहते हो तो सिंपली आपको टर्न ऑफ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर टर्न ऑफ पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जब आप लोग वॉल्यूम प्लस बटन दबाओगे आपकी स्क्रीन यहाँ पर बंद हो जाएगी। देखिए आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन बंद हो चुकी है और फिर से आपको दबाऊँगा तो यहाँ पर चालू हो जाएगी। मैं यहाँ पर ये स्क्रीन आपकी बंद हो जाए, उसके बाद मैं वॉल्यूम माइनस बटन को आप लोग यहाँ पर सेट करना चाहते हो तो इस पर आपको ओपन पावर मेन्यू, ठीक है, यहाँ पर ओपन पावर मेन्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपली आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। नीचे वॉल्यूम माइनस बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, सिंपली आपको यहाँ पर नीचे क्या करना है, वॉल्यूम माइनस बटन पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद में ओपन पावर मेन्यू पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जिससे क्या होगा आप लोग जब भी यहाँ पर अपना यहाँ पर वॉल्यूम माइनस बटन दबाओगे तो आप लोग यहाँ पर देखिए आपके पास में यहाँ पर पावर ऑफ और पावर रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ यहाँ से आप लोग कर पाओगे। ठीक है, रीस्टार्ट भी कर पाओगे और स्विच ऑफ भी कर पाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपने पावर बटन का जो सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और अभी भी आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे दूंगा या डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए यार मिलते किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।